खाना खाने के बाद आजकल बड़े हो या छोटे सभी के ओटो पर बस एक ही बात है और वो है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। इस दुनिया में मीठे का मतलब है चॉकलेट्स और चॉकलेट्स का मतलब है कैडबरी। यूँ तो आपको बहुत सारे चॉकलेट बाजार में मिल जाएंगे लेकिन कैडबरी जैसा कोई नहीं। चाहे बात कर ले इसके डेयरी मिल्क या फिर फाइव स्टार की या फिर जेम्स को ही क्यों ना ले ले, इस चॉकलेट को टक्कर देने वाले इसके आसपास भी नज़र नहीं आते। इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसे जानकर आपको बड़ा मजा आना। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए हम दुनिया पर कई दशकों से राज करने वाले चॉकलेट कंपनी कैडबरी की जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जॉन कैडबरी नाम एक बच्चे से जिसका जन्म करीब 200 साल पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक क्वेकर्स धर्म से ताल्लुक रखते थे और इस धर्म के लोगों की अपनी अलग ही मान्यताएं थी। वे चर्च या फिर किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। अपनी अलग मान्यता होने की वजह से उन्हें समाज में अलग नजरिए से देखा जाता था। ना ही उन्हें किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता और ना ही उन्हें अच्छा जॉब। उनके पास बचा हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो खुद का बिजनेस करना। इसलिए अपने धर्म के स्कूल से पढ़ाई करने के बाद जॉन कैडबरी अपनी पॉकेट मनी के लिए कॉफ़ी शॉप में काम करने लगे और फिर आगे चलकर 1824 में उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला जहाँ वे कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। आगे कुछ सालों में एक्सपीरियंस के बाद उन्हें पता चला कि चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा उनके चॉकलेट ड्रिंक को लोग पसंद करते हैं और फिर 1831 में उन्होंने चाय और कॉफ़ी को छोड़कर सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया। तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और फिर उसी साल उन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के ही करीब 16 और भी वैरायटी अपने मेन्यू में ऐड कर लिए। अगले 15 सालों में वे आसपास के सभी इलाकों में अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में शामिल कर लिया और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में एक बड़ा सा कारखाना खोला। दोस्तों कैडबरी शुरू से ही अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, इसलिए 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनकी कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दे दिया। दोस्तों बता दूं कि रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट उन्हीं उत्पादकों को मिलता था जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी और जिन उत्पादों को राजा और रानी भी अपने प्रयोग में ले सकते थे। धीरे धीरे कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गई और फिर 1860 के आसपास बिजनेस के संबंधी नोकझोंक होने की वजह से भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद जॉन की भी उम्र ढलती जा रही थी और फिर उन्होंने कंपनी का कमान अपने दो बच्चों रिचर्ड और जॉर्ज को दे दी। दोस्तों किसी भी उत्पाद की सफलता को जारी रखने के लिए सबसे जरूरी है समय के साथ परिवर्तन। रिचर्ड और जॉर्ज ने कंपनी की इस कमान संभालने के लिए बहुत से सारे नए परिवर्तन किए और वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे। पूरे ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाने के बाद 1870 में कैडबरी को दूसरे देशों में भी भेजा जाने लगा। इसी बीच 11 मई 1889 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर अगले 10 सालों में उनके बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बचे जॉर्ज कैडबरी जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा खोज किया जिसने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दी। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया कि रिसर्च वर 1897 से ही कर रहे थे। कैडबरी डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नया बनाने के लिए प्रयोग में लगे हुए थे। उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिलाया और जब इसके मिक्सचर को चखा गया तो इसमें कमाल का स्वाद था और जब इसे सुखाकर चखा गया तो स्वाद और भी ज़बरदस्त हो गया और कुछ इस तरह से कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट बनी जो आज भी कैडबरी ब्रांड की सबसे चहेती चॉकलेट है। यह वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहता हूं और वो ये है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।